दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला मामले में 9 जून तक कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है, जहां ईडी अब सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन के खिलाफ पक्के सबूत मिले हैं। सत्येंद्र जैन ने 4 कंपनियों के जरिए अपने और अपने परिवार के नाम पर 200 बीघा जमीन खरीदी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बीजेपी हमलावर है तो आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बता रही है। सवाल यह है कि आखिर सत्येंद्र जैन का सच क्या है? इस रिपोर्ट से कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको चौंका देगी। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इस रिपोर्ट से बहुत हद तक साफ हो जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ईडी की हिरासत में है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की अदालत में पेशी हुई और फिर रातें हवालात में काटनी पड़ी। 9 जून तक सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में रहेंगे, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के बचाव में खड़ी हो गई है। सत्येंद्र जैन पर आम आदमी पार्टी का दावा क्या है, सच्चाई क्या है, ये दोनों आपको समझाते हैं। सत्येंद्र जैन की पार्टी दावा करती है कि ये केस तो बहुत पुराना है। आम आदमी पार्टी के नेता 2009-2010 का जिक्र करते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया सत्येंद्र जैन को, उस दिन से ईडी पीछे पड़ी हुई है। 8 साल पुराने मामले में जिसमें 7 बार वो पेश हो चुके हैं ईडी के सामने, कभी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई ईडी को। जब हिमाचल का चुनाव आता है तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी देश में सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम जांच एजेंसियां हो, पुलिस वाले हो, इनका दुरुपयोग कर रही है। एक दिन में 9 FIR किया बाबा जी ने मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, 23 FIR किए। ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग। तो सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से इस मामले में निकल कर आएंगे, जल्द ही छूट कर आएंगे। ये एक फर्जी बेबुनियाद निराधार मामला है। लेकिन ईडी के सूत्र बताते हैं कि सत्येंद्र जैन के मंत्री बनने के बाद भी हवाला का पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता रहा। ईडी के सूत्र बताते हैं कि सत्येंद्र जैन कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर के जरिए काम कर रहे थे, जो अलग अलग कंपनियां थी। इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मंगला यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ईडी के मुताबिक साल 2010-11 और 15-16 तक इन कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार हुआ। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। ईडी के पास बाकायदा पैसों के लेन देन की एंट्री है। ईडी के मुताबिक कोलकाता के जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चौखानी और राजेंद्र बंसल ने 16,39,00,000 रुपए पहुंचाए। ईडी के मुताबिक कागज पर कंपनियां बनाई गई और पैसे ट्रांसफर होते गए। अब आपको एक डेटा एंट्री दिखाते हैं। साल 2010-2011 में इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 6,42,00,000 दिए। अकिंचन डेवलपर्स में 2010-2011 में 1,43,00,000 रुपए। साल 2011-12 में इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 72,00,000 रुपए। प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 2011-12 में 1,80,00,000 रुपए। 2011-12 में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में 1,01,00,000 हवाला के जरिए ट्रांसफर। 2015-16 में मंगला यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 1,90,00,000 ट्रांसफर। प्रयास इन्फो सॉल्यूशन में 2015-16 में 69,00,000 रुपए। अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में 2015-16 में 2,02,00,000 रुपए ट्रांसफर। अब सवाल आता है कि अगर इतना बड़ा हवाला कारोबार हुआ तो इन पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ? ईडी के पास हवाला के पैसे और उसके इस्तेमाल दोनों की जानकारी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन और उनके करीबी लोगों ने इन पैसों से 200 बीघा जमीनें खरीदी। बताया जा रहा है कि जमीनें अनऑथराइज कॉलोनियों के बगल में खरीदी गई। एक दो बीघा नहीं बल्कि 200 बीघा जमीन, वो भी दिल्ली में। ईडी के सूत्र बताते हैं, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के कराला गांव में 2011 में 55,20,834 रुपए की जमीन खरीदी।
प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के कराला गांव में 2012 में 43,20,060 रुपए की जमीन खरीदी। फिर प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के कराला गांव में 2012 में 43,20,060 रुपए की जमीन खरीदी। प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के कराला गांव में 2011 में 97,99,480 रुपए की जमीन खरीदी। प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के कराला गांव में 2011 में 1,15,57,000 रुपए की जमीन खरीदी। इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के कराला गांव में 2011 में 1,21,45,835 रुपए की जमीन खरीदी। प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के कराला गांव में 2011 में 41,40,625 रुपए की जमीन खरीदी। मंगला यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली के निजामपुर गांव में 2013 में 2,70,52,100 रुपए की जमीन खरीदी। उन्होंने ये भी बताया, ये सारी कंपनियों को मैं चलाता था, जिसमें हवाला के द्वारा पहले 16.39 करोड़ का लेन देन हुआ है और फिर उस पैसे से 200 बीघा जमीन यहां पर उनकी शेल कंपनियों के द्वारा खरीदी गई। बाकायदा सेल डीड है और वो सेल डीड जो इंडो मेटल इम्पैक्ट्स है, अकिंचन प्राइवेट लिमिटेड है, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस है और उन सारी कंपनियों को ऑपरेट सत्येंद्र जैन जी खुद करते थे और अभी भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और जिस तरह से हवाला के द्वारा पैसा लाते थे, उससे फिर दिल्ली के अंदर वो इन्वेस्ट करते थे, आय से अधिक संपत्ति का मामला तो बनता ही है, काले धन का दुरुपयोग करने का मामला तो बन ही रहा है। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक हवाला का ये मामला साल 2010-11 से 2015-2016 का है, जिसमें 16,39,00,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। और सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक और उसके बाद 14 फरवरी 2015 से अब तक दिल्ली सरकार में मंत्री है। सत्येंद्र जैन के 16.39 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके इसको फ्रॉड बताया था। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई MLAs पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए, मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2019 के अपने आदेश में माना था कि सत्येंद्र जैन पर 16.39 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट ने माना है कि सत्येंद्र जैन ने 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग की थी। ईडी के दावे के मुताबिक सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी ने 2010 से लेकर 2017 तक जो भी इनकम टैक्स में चोरी की है, इनकम टैक्स विभाग उसकी जाँच कर रहा है। इसके साथ ही CBI पहले से ही इनके खिलाफ इनकम टैक्स चोरी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और स्टैंप चोरी का केस पहले ही साबित हो चुका है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन पर बेनामी संपत्ति का भी मामला है। सत्येंद्र जैन पर करीब 123 बीघा बेनामी जमीन का मामला है और इस पर कार्यवाही भी हुई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 1986 में सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी दोनों CPWD में एक साथ काम करते थे और दोनों की इनकम इनके इन्वेस्टमेंट से मेल नहीं खाती, क्योंकि जांच में 200 बीघा जमीन का मामला पाया गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के आसपास खरीदी। सत्येंद्र जैन ने जब ये जमीनें खरीदी तो वो दिल्ली सरकार में मंत्री थे और ये सभी जमीनें खेती वाली हैं। सत्येंद्र जैन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सरकार के फैसले का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जब वो दिल्ली सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने चुनाव आयोग को भी अंधेरे में रखा।
सत्येंद्र जैन ने 2013 में अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति की गलत जानकारी दी। जाहिर है जिस तरह से ईडी का शिकंजा सत्येंद्र जैन पर कस रहा है उससे बच पाना मुश्किल होगा। और अब 9 जून तक ईडी सत्येंद्र जैन से पूरे मामले में पूछताछ करके कई और राज उगलवाएगी, जिससे आने वाले वक्त में सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।